हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं, अगर इंटीग्रल फैक्टर इस फॉर्म में हो, फंक्शन जो हो एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में हो, तब इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने होमोजीनियस वाला पढ़ा था, और उससे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तब इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब फिर हमारे पास ये मेथड है, हमारे पास अगर इस फॉर्म का कोई फंक्शन हो तो उस कंडीशन में किस तरह से हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, ये हो गया हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। इसका इंटीग्रल फैक्टर होता है अगर इस फॉर्म में हो तो इंटीग्रल फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई ये होता है। बशर्ते जो कंडीशन होती है वो होती है एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो हो तो एफ एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां से इंप्लाई होगा हमारे पास एम अपॉन एन, एम अपॉन एन वाला आप निकालना चाहे तो यहां से वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो अब इसमें देखें, इस इक्वेशन में यहां से हो जाएगा हमारे पास एम डी एक्स इक्वल टू माइनस एन डी वाई, या एन से इधर डिवाइड कर दे तो एम अपॉन एन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, या एम अपॉन एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स। तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, या इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू, इस वाई को डिवाइड कर दे तो माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, या इसको लिख सकते हैं हम अब इंटीग्रेशन कर दें तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, या इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी। लॉग एन प्लस लॉग एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो लॉग एक्स वाई बराबर लॉग सी, या एक्स वाई बराबर सी, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कंडीशन है एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। अब अगर एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि उस कंडीशन में किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लेता हूँ वो मोस्टली पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, और ऐसी टर्म जो होती है ये मोस्टली हमेशा कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, एंट्रेंस पेपर जो होता है, ऐसी टर्म उनमें पूछी जाती है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमें सॉल्व करना है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई वाई ऑफ डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई एक्स ऑफ डी वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर चेक करें तो ये फंक्शन एफ एक्स 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 डॉट वाई का फंक्शन है ये, और डॉट वाई डी एक्स प्लस एफ वन एफ टू एक्स वाई का फंक्शन और एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, जो हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह की फॉर्म हो तो उस कंडीशन में इनिशियल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से अगर हम एम हो गया हमारे पास एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई, और इसमें मल्टीप्लाई है वाई का, तो ये मल्टीप्लाई बाई वाई, एन बराबर देखें तो ये है हमारे पास एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई ऑफ एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, तो एम एक्स माइनस एन वाई निकालना है, बेसिकली हमें एम एक्स माइनस एन वाई निकालना है। तो एम एक्स एन वाई माइनस एन वाई निकालने के लिए हम यहीं पर एम डॉट एक्स और एन डॉट
वाई, यानी इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है एम एक्स माइनस एन वाई, तो एम एक्स माइनस एन वाई, तो यहाँ से एक्स वाई पूरा इसमें से कॉमन आ जाएगा, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर रहा हूँ तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई साइन एक्स वाई, उसके बाद माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई, ये टर्म कट जाएगी और एक्स वाई कॉस सॉरी कॉस एक्स वाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू कॉस एक्स वाई। तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया यहाँ से हमारे पास वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ये इसका इंटीग्रल फैक्टर आ गया फ्रेंड्स। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इक्वेशन जो थी हमारे पास एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई एक्स डॉट डी वाई। अब इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करें टू एक्स वाई कोस एक्स वाई का, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास वन इसका वन अपॉन टू एक्स वाई कॉस एक्स का, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा वन अपॉन टू, और साइन एक्स वाई अपॉन कॉस एक्स वाई ये बच जाएगा टेन एक्स वाई प्लस इस तरह से कॉस एक्स वाई और वन अपॉन टू कॉस एक्स वाई, तो ये बच जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू एक्स वाई कॉस एक्स वाई से कॉस एक्स वाई कट जाएगा, वाई यहाँ पे साथ में है हमारे पास तो ये हो गया y डी एक्स प्लस यहाँ पे इसी तरह से मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉन टू और ये टेन एक्स वाई माइनस वन अपॉन टू एक्स वाई डॉट एक्स डी वाई, ये हो गया हमारे पास। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू को सभी जगह से कॉमन आ सकता, फिर तो इसको सभी जगह से कॉमन ले लिया वन अपॉन टू, ये तो सब कॉमन आ गया टेन एक्स वाई और वाई डी एक्स। अगर यहाँ पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टेन एक्स वाई आएगा, उसके बाद एक्स डी वाई आएगा, तो एक्स टेन एक्स वाई को कॉमन ले लें तो प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी वाई और ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई करते वाई कट जाएगा तो वन अपॉन टू टू सॉरी वन अपॉन टू तो बाहर जा चुका है प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसी तरह माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू सी। अब यहां पे अगर वाई सो टेन एक्स वाई को हम टी मान लें, लेट एक्स वाई बराबर टी, तो यहां से एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन टू टेन टी डॉट डी टी प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया। इस टू वन अपॉन टू को भी जीरो की तरफ पहुंचा देते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब अगर इंटीग्रेशन करते हैं इसका तो इंटीग्रेशन करने पे ये तो जाएगा लॉग सेक एक्स वाई सेक टी आएगा और टी की वैल्यू एक्स वाई प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक लॉग सी मान लो, ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहां से हम सिंपली सभी तरह लॉग एम प्लस लॉग एम वाला फॉर्मूला लगा दे सभी के लिए, तो हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स वाई डॉट एक्स डॉट वाई, यानी सेक एक्स वाई एक अलग टर्म में एक्स डॉट वाई अलग टर्म में इक्वल टू सी, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह से हम और भी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम और भी ऐसे ही क्वेश्चंस और सीखेंगे कि इंटीग्रल फैक्टर अगर किसी और फॉर्म में हो तो तब इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।